1, 2, 3। संडे का दिन है, 3 बजे रेडी होके बैठा था, सोच के कि शॉपिंग के लिए जाएंगे, उसके लिए हिमांशु भाई को कॉल भी किया। समय अभी आप लोग देख सकते हो, कुछ 5:45 होने आए हैं, तो ऑन टाइम ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं हिमांशु भाई, कहीं हद तक बोले जाए। क्योंकि शादीशुदा लोगों की है ना यही प्रॉब्लम होती है, शादीशुदा लोग है ना अपने घर में ये ना फंसे रह जाते हैं, इसीलिए यार मैं तो बोलता हूँ शादी नहीं करना। तो अभी देखो, अभी कॉल किया है, वो बोल रहे 5 मिनट में आने वाले हैं, देखते हैं उनका 5 मिनट अब कब ख़त्म होता है। पूल की हालत देख लो, फिर से एक बार रेडाउल में छोटी गंगा विजिट करने आई है हिमांशु भाई एंड नाइशा भाभी आ चुके हैं। ये देखो बहन, वो तो आए तो ठीक है, भाभी किधर है? अभी पिक करना है उनको। हाँ, वो अभी आईब्रो बनवाने गई है, रात की लुक से पिक करना है उसको। शादीशुदा जिंदगी ऐसी ही होती है भाई, ऐसी होती है। वैसे तो मैं भी शर्ट नहीं पहनता हूँ, बट ये पहना है इसके लिए क्योंकि कबर्ड में बैठा बैठा ये शर्ट बोल रहा था भाई तुमने मेरे पे पैसे डाले हैं थोड़े, तो मुझे यूज़ कर लो, तो मुझे पहनना पड़ा। एंड हिमांशु भाई का भी सेम ही सीन है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर पैसे डाले तो इन्होंने पहनना पड़ रहा है। आपके साथ भी बहुत बार होता होगा, मतलब आप जो भी लेते हो वर्थ इट? ये लेती है, एक बार पहन के फेंक देती है। फेंक नहीं देती। वाओ, रिच पीपल्स एक बार पहन के फेंक दे। फेंकती नहीं हूँ यार, वो मेरे वार्डरोब की शोभा बढ़ाते हैं। सबसे पहले आते ही नजर पिंक कलर के टी शर्ट के ऊपर पड़ी है, एक और सिलेक्ट की गई है यहाँ पे, यहाँ पे भाभी ने सिलेक्ट की है। मैंने वैसे यहाँ पे 2 पिंक सिलेक्ट कर लिया यार, पता नहीं मेरे को पिंक से अलग ही लगाव हो रहा है। वैसे पहले मैं हेट करता था, पिंक पहनता है तू? हैं, तू पिंक पहनता है साले लड़की? हाँ ये दोनों अच्छी है, बाकी ये तो मत ले, छोड़ दे। ठीक है ये छोड़ देते, इन्होंने फोर्स किया है मुझे ये छोड़ने के लिए। है भी वो बेकार। बेकार नहीं है, वो अच्छी लग रही थी जब तक ये नहीं मिली। ठीक है, वो अच्छी मतलब वो नाइट ड्रेस के लिए अच्छी है। थोड़ा गर्ल्स वाला सीन हो गया अब, पहली लड़की आपकी जिंदगी में आपको तब तक अच्छी लगती है जब तक दूसरी आपको अच्छी ना मिले, है ना? बड़ा हरामी हो बेटा। भाभी ये लाई है हिमांशु भाई के लिए, बोल के कि ये लेना ही पड़ेगा, और हिमांशु भाई बोल रहे हैं कि हस्तर ले लेगा, मेरे ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे भाई? ये अच्छा लगा, और यार ये तो मेरे पे भी बहुत अच्छा लगेगा यार। भाभी आप ऐसे है ना, ढूंढो मत यार आजू बाजू, मेरा बैंक अकाउंट को डर लग रहा। ये तो जहाँ से उठाए ना वहीं रख दो। नेक्स्ट मंथ आफ्टर लोको पेमेंट। प्रमोद भाई देव भाई देख रहे हैं तो अगर लोको के ओनर्स को फाउंडर्स डायरेक्टर्स अगर देख रहे हैं तो प्लीज आई एम इन नीड ऑफ मनी एंड क्लोथ्स, हेल्प मी, आई वांट टू बाय ज़ारा। मी टू। हिमांशु भाई को भी वो रेड मत ले, ये ले ले। जिन्होंने पिछला वाला शॉपिंग व्लॉग देखा होगा उनको मालूम होगा हम लोगों के साथ एक अच्छी खासी खास बात होती है, ट्रेंड, कि हम जो घर से कपड़े पहन के आते हैं वो कपड़ों में वापस घर नहीं जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे पिंक हो चुके हैं हम, पिंक मैचिंग हो गए हम, ब्रदरहुड्स। तुम क्या ट्राई कर रहे हो? आँख मारना। बड़े ही ठरती हो, अच्छे से विंग भी निकल रहा है, तुम ऐसे करते हैं कंट्रोल। एक्चुअली अपडेट ये है कि हो सकता है कि कल मैं वृंदावन जाऊं, इसके लिए भी बस सलून वलून जाके आया था, थोड़ा बहुत तैयार हुआ यार हो क्या है, क्योंकि पूरी फैमिली आ रखी है एंड वृंदावन में वो लोग मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, कुछ एक तरीके से बोले तो पूरी फैमिली की, दोनों परिवार तीनों परिवार एक साथ मिल के वहाँ पर भगवान के दर्शन करने गए हैं। तो हो सकता है कि कल मंडे के दिन मैं वृंदावन के लिए निकल जाऊँ, आ जाऊँगा मंगलवार तक। बट जाने से पहले सोचा है कि मुक्ति के साथ एक छोटा सा प्रैंक पुलअप करते जाएं, मैं उसमें मेन डायरेक्टर रहूँगा और मजिक भाई जो रहेंगे वो हमारे एक्टर रहेंगे। तो सुन, प्रैंक ऐसा है कि उसको अपन बोलेंगे जाके, अपन उसको कुछ नहीं बोलेंगे जाके, अपन ऐसा करेंगे फ्लिप द बॉटल चैलेंज करेंगे, ठीक है? तो मैं बोलूँगा मजिक और मेरे बीच में 1v1 है, एंड जो सबसे पहले फ्लिप कर लेता है बॉटल वो दूसरे बंदे को पूल के अंदर लात मार के फेंक सकता है, ठीक है? तो अगर इन केस तू या मैं हारते, जैसे तू हार गया तो तेरे को जाके एक ना वुडन प्लैंक्स पे जाके खड़ा करवा दूंगा, तेरे को ऐसे जाके खड़ा होना है, ठीक है? और मैं पीछे से लात मारूंगा, मुक्ति को मैं बोलूंगा फ्रंट से ले एंगल, ठीक है? और दूसरा एंगल अपन अविनाश भाई को पकड़ा देंगे,
फिर जब मैं लात मारने के लिए रेडी हूँ ना तो मैं तेरे को लात नहीं मारूंगा। तो ये करते हैं ठीक है, फ्लिप द बॉटल चैलेंज, हारे जीते कोई भी, बट तू साले अगर मैं हारता हूँ तो मेरे को मत फेंक दियो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसा आप लोगों को बताया गया था, मैं और मजीक फ्लिप द बॉटल चैलेंज कर रहे हैं। कैमरा के पीछे है मुफ्ती और दूसरे कैमरा के पीछे है ओशन। तो यहाँ पे जो भी सबसे पहले फ्लिप कर लेता है बॉटल, दूसरे वाला जो हारता है उसको ऐसे खड़ा रहना है और फिर वो पीछे लात मारेगा जो जीतता है। तो पहले तुम जा रहे हो या मैं जाऊँ? इधर मत देख, ये दिखेगा भाई कर्वेचर बहुत गंदा है। बस देखना तू तेरा ऐसे थोड़ा सा इस साइड से कैमरा और थोड़ा उस साइड से ले। द कर्वेचर इज एक लाती वाली आ रही है। एक दो तीन। अभी तीनों कैमरा किसकी तरफ है? स्क्रिप्टिंग बेस्ट भाई, क्या क्या स्क्रिप्ट बनाई थी हमने प्रैंक की और जो एक्टर था वो फंस भी गया। तुझे लगा था ना तुझे नहीं होने वाला है कुछ भी, तुझे लगा था ना तेरे हाथ में कैमरा इस बार तू सेफ है। इसलिए मैंने तेरे हाथ में भी गोप्रो पकड़वाया जो वाटरप्रूफ रहता है। तो ये होता है उस इंसान के साथ जो अपने लिए सचेत नहीं रहता। मनुष्य को प्रतिपल ऐसी घटनाओं के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause you see me riding in a brand new Benz. Like Zoom, Shinkansen, down in Tokyo. I'm tired of hearing that you missed the old Hugo. I'm coming to your city in a UFO. If you ain't getting Lady GTFO, yeah.